हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स को देख रहे हैं हम लोग। तो याद रखिए, हम लोग कक्षा छठवीं की सभी बुक्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं देख चुके हैं। कक्षा सातवीं की भी हम लोग जो हमारे लिए सिविल सर्विस के लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। कक्षा आठवीं की अभी तक हम लोग दो बुक देख चुके हैं। पहली बुक थी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग तीन के बारे में, दूसरी थी हमारा थी तीन। याद रखिए, कई बार आपको हमारा थी जो तीन है बुक्स कवर पेज पर नाम होगा हमारा थी तीन। इसमें 10 चैप्टर हैं आपके, कितने? 10। तो कई जगह ऐसी दो बुक्स मिलेंगी, भाग एक और भाग दो, जिसमें भाग एक में आपके 6 चैप्टर होंगे, उसके बाद भाग दूसरे में आपके 4 चैप्टर होंगे। कई बुकें ऐसी भी हैं दोनों सम्मिलित करके 10 चैप्टर इकट्ठे कर दिए गए हैं, तो आपको 10 चैप्टर उसमें, तो हम लोगों ने एक ही बुक्स में कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग एक के नाम से बुक्स है। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे इस क्लास में संसाधन और विकास। ये कक्षा आठवीं की बुक से आपकी एनसीईआरटी के संसाधन और एवं विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, मैं बार बार एक ही शब्द बोलता आया हूँ आप लोगों को कि ये जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। और बड़े धैर्य के साथ अगर आप इसे सुनते हैं या बड़े धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि जब सरल शब्द हो, सरल कुछ भी पढ़ाई हो, तो हमें बोरिंग लगती है। तो आपको बोरिंग नहीं लगनी है, बस बड़ी कहानी का रूप देकर उन्हें पढ़ते रहिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, साइंस हो, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक, आपको बेहतर समझ में आएगा, हर शब्द समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। विषय सूची के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये आपकी विषय सूची। अध्याय एक में हम लोग बात करेंगे संसाधन देखेंगे, फिर अध्याय दो में हम लोग बात करेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जीवन संसाधन के बारे में। तीसरा अध्याय होगा हमारा खनिज और शक्ति संसाधन। अध्याय चार में हम लोग बात करेंगे कृषि और अध्याय पांच में बात करेंगे उद्योग, और अध्याय जो हमारा छठवा होगा मानव संसाधन हुआ। इसमें आपके 6 अध्याय हैं, कितने? 6, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग देखेंगे। याद रखना, फिर से भी बोल देता हूँ, ये कक्षा आठवीं की बुक्स है संसाधन और विकास। इसके बाद कक्षा आठवीं की एक और बुक्स बनती है आपकी विज्ञान। उसे कवर करने के बाद कक्षा आठ तक की आपकी बुक्स सभी कंप्लीट हो जाएंगी। और याद रखना, आपके जो भी लेक्चर हैं इनसे संबंधित वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्लास बाई क्लास वहीं मिल जाएंगे क्रम से, ठीक। भारत का संविधान दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। यहीं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान आपके लागू हो गए थे संविधान के, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ, ठीक। तो चलिए, हम लोग अगली क्लास में आगे हम लोग बात करेंगे
अध्याय एक के बारे में, संसाधन। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा आठवीं की संसाधन और विकास के बारे में। तो इसमें हम लोग विषय सूची देख चुके थे, आज हमें फर्स्ट चैप्टर देखना है संसाधन। मैं बार बार एक ही शब्द बोलता आया हूँ कि नहीं, कहानी का रूप देकर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई आपकी बुक्स, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बने रहिए। ठीक है, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा ने से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन होता है। अब देखिए, यहाँ संसाधन की परिभाषा बताने के लिए आपके सामने पूरी कहानी दी गई है, जिससे आप समझ सकें बेहतर तरीके से। अब एक लाइन में भी इसकी परिभाषा दे सकती थी, किस तरह से, प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह हमारे लिए संसाधन होता है। तो इसी तरह से आपको इस पॉइंटों को पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ना है और निकल जाना है। ठीक है, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों की पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी आपके लिए संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, किसने कहा, ये अम्मा ने कहा। मूल का अर्थ क्या होता है, आखिर मूल शब्द आया तो मूल का अर्थ क्या होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब पेटेंट यहाँ शब्द आया है तो इसकी परिभाषा क्या है, इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से पेटेंट कराना। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एक आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का विचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास भी हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकियों ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया।
प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुपयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधनों के प्रकार देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आर्थिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय वो संसाधन प्रतीत होते हैं, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अभी आप लोगों ने करंट में दो शब्द सुने होंगे, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो ये वही होते हैं जैसे सूर्य से हमें प्राप्त हो रही, या जल से, या वायु से। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, और जो कोयला है हमारा, पेट्रोल है, क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है आपके। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊर्जा, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए, बताइए किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन के लिए जापान आपका बहुत आगे है हम लोगों से। आप भी जानते हैं कि दो बार परमाणु हमला सहने के बाद भी
झेलने के बाद भी आज अमेरिका विकसित देशों में गिना जा रहा है। यहाँ देख लीजिए कुछ पॉइंट दिए हुए। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान और शिक्षा कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसको समाधान निकाल पाए। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक से। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूलवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। बात करते हैं संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपन देखा, बुरा सपना सपन देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना ही खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। अब उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? अम्मा ने कहा, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, किसने बोला? अम्मा ने। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सावधानीपूर्ण पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहीं। ये क्या होता है? सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होगा कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यह आपके सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए, इन्हें भी देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। पता है,
हमारे यहाँ क्या सोचते हैं, अरे क्या हमारे अकेले करने से क्या बदल जाएगा। कई लोग देखा होगा आपने कि अरे हमारे अकेले करने से क्या, अरे भाई तुम तो आगे बढ़ो, पीछे कई लोग बढ़ जाएंगे, एक कदम तुम तो आगे बढ़ सकते हो। इसी पर आपकी एक कहानी है। एक गांव में दूध लेने आता था कोई, दूध इकट्ठा हो रहा था, कोई कार्यक्रम होगा धार्मिक कार्य के लिए। तो किसी ने सोचा, हर वहां के जो भी गांव वाले थे तो उन्होंने सोचा कि चलिए मैं पानी डाल देता हूँ डिब्बे में, मतलब गुप्त दूध डालना था टैंकर में। कोई टैंकर आया हुआ था, कोई वहां चेक करने वाला नहीं था कि तुम दूध लाए रहे हो या पानी। तो उनमें से एक ने सोचा, हर किसी ने सोचा कि चलो हमारे अकेले पानी डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो पूरे गांव ने यही सोचा। क्या सोचा? कि हमारे अकेले पानी डालने से क्या फर्क पड़ जाए। उनमें से किसी ने दूध नहीं डाला, पानी ही पानी हो गया टैंकर। समझ में आया कि हम क्या सोचते हैं कि दूसरा नहीं बचा रहा है तो हम क्या करें, और यही सबकी सोच बनी रहती। तो हर कोई इसे संभालिए और रखिए। आप बढ़ेंगे तो अपने आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 2014 से पहले सब साफ सफाई के मामले में, स्वच्छता के बारे में कितनी जागरूकता थी, क्या हाल थे। लेकिन अब देखिए, कम से कम नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कुछ किया तो है। उन्होंने एक कदम बढ़ाया, आप लोग उनके साथ बढ़ गए, और स्वच्छता से हमारा देश देख रहे हैं, हर जगह आपको स्वच्छता मिलती है। ठीक है, ये आपके कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें लगा लेना, और आपकी पीडीएफ जो होगी उसे हम लोग आज टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, जिससे कभी टाइम मिले तो उससे एक बार रिवीजन कर लें। तो ये था आपका फर्स्ट अध्याय, संसाधन। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अध्याय दो में, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके थे, ये आपका दूसरा चैप्टर है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। याद रखिए, बड़े धैर्य के साथ सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तंजानिया अफी अफ्रीका के एक छोटे गांव में मम्मा मम्बा पानी लाने के लिए प्रातः से ही उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मब्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। इसी दिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मब्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं।
उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर निर्जन। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवासीय नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकरण क्रांत, समाद्वीप निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में लग्जमबर्ग शहर। बात करते हैं भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वन की, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या पम्मा और पीटर के परिवारों की भूमि के उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन आज हम यहां खड़े हुए हैं, देख लीजिए। बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हुआ है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके। अब बात करते हैं मृदा, मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ
तथा भूमि पर पाए जाने खनिजों से होता है। यह अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब यहां देख लेते हैं क्या भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में बेहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेपिया भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कम कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाते हैं। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया जिसके कारण सड़क और गांव की आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विकास से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए पित्तीधारी दीवारों का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है यानी कि पेड़ लगाना है। सतही अपव्यय तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पेष्टीय अपव्यय नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। देखिए मृदा परिच्छेदिका, ये जनक चट्टाने हो गई या आपकी अपक्षय चट्टाने चट्टानी पदार्थ या आपकी बालू गाद किले के साथ, ये है आपकी ह्यूमस, सबसे ऊपरी परत होती है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना आपका क्या होता है, अपक्षय कहलाता है। केवल 1 सेंटीमीटर, देख लीजिए केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और हटने में कुछ ही मिनट में हट जाती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ही जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावत, तुंगता, ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अब बात करते हैं हम लोग मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और चिंता मृदा संसाधनों के लिए दो मुख्य खतरे हैं आपके। मानवीय प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण
हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं आपकी, जैसे मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रह जाती है। वेदिका फार्म हो गई है, देखिए समुचित समुच रेखीय जुताई, ये रक्षक मेखला। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीप ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पेस्टीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। फिर आता है आपका समुच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में वन गति रोकने के लिए पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस तरह से बिल्कुल क्रम से लाइन में आगे चलते हैं हम लोग। समुच्च रेखीय रोधिकाएं समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप देख लेते हैं। एक ही आकार के आबा दो टीले, इनमें टी के अंत में छह छिद्र बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अब आ टी की मृदा को खाली छोड़ दीजिए। जब बाटी में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में बाटी के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ही टी को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो। दोनों टीले में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग में जल डालें। दोनों टी के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें। तुलना करें कि प्रत्येक टेम से कितनी मृदा बह गई। यहां समझाने की कोशिश यही की जा रही है कि अगर पेड़ लगाते हैं आप लोग तो मृदा के कटाव के कम चांस रहते हैं, और अगर पेड़ की कमी रहती है वहां तो इस तरह से पूरी मृदा आपकी बह जाएगी। चट्टाने बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। अब पहुंचते हम लोग जल की तरफ। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जलग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलग्रह। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल आपका 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से के बाहर है। केवल 1% लवण जल उपलब्ध है। वह मानव उपयोग के लिए उपभोग के लिए उपयुक्त। यह भौम जल नदियों और झीलों में पेस्टीय जल के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो 71% के पास है अपने पास पूरे पृथ्वी पर जल, लेकिन उनमें से मात्र 1% से भी कम हमारे उपयोग के लिए जल है, बाकी हम उपयोग नहीं कर पाते।
है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, इसलिए कृपया करके उसे बंद कर दिया करिएगा। समझ में आया? एक तुम्हें मानो या ना मानो, लेकिन अगर तुम अच्छे से किताब पढ़ते हो तो एक इंसान अच्छा बना देगा, जिसे अपने प्रकृति से भी लगा होगा। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। उपयोग होगा लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। पीना 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20, शौचालय के लिए 20 सॉरी 40, वस्त्र धोने के लिए 40, बर्तन धोने के लिए आपका 20, बागवानी के लिए 23, कुल 150। इसलिए आलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसे घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण वर्षण वाह्य की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों वायु भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रित गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर के पास किन तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है ये बाजार। बात करते हैं जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार का जल अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षों में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा गति के उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यमुना नदी के बाह्यतमल औद्योगिक वही स्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी की ठीक हालत हो गई, ठीक ही अभी कह लीजिएगा, 2014 के बाद से ठीक है, जितना भी सुधार हुआ है ठीक हुआ है। बात करते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। आशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाह्यतमल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की आपने सिंचाई देखी हुई, स्प्रिंकल सिंचाई। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पेष्टीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को
ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाली शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इस विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संरक्षण संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 800 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में लिया उठाया, उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, तुई, छत्रों और कुर्सियों को देख सकते हैं? वे बैग बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदि प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है, जिससे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये है आपके रेशम कीट। आगे देखते हैं हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय भी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता भी करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारबीन का तेल, कॉर्न, औषधीय पौधे, कागज और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक। पौधों के असंख्य उपयोग, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। ब्रह्मा कमल का ये औषधीय बूटी है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपयोग पशुओं का उपचार डी क्लोफिनेक एस्पिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इस औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले बहुत गिद्ध देखते थे, लेकिन अब कहाँ देखते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु पक्षी कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। उनसे कीट जैसे ये आपने किलकिला देखा होगा, किंगफिशर। मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। चिड़ियां अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य भी करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे तो बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। घास मैदान और वन। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है।
विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को चार वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म, टुंडा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन पिचोर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और चट्टान और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं कुल सूखते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंडा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। ये आपका देख लीजिए, वन में अजगर सामने से नहीं देख पा रहे तो यहीं देख लीजिए, पिक्चर में ही सही। देखा तो है, कम से कम बोल तो सकते हैं कि देखा था हमने। स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाए गए कोलोज। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्वभर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत हमें आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन हैं और कुछ लुप्त होने के कारण पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दबादल, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकरण का शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हेम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के बरसा पिचोर वन में क्षति इस तरह दिखी। यह आपका ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, ब्लैक बक है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन अभ्यारण्य जयमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियां झीलों आदि भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देखिए कुछ न्यूज क्लिप्स दिए गए हैं। दवानल प्राणी जात और वनस्पति जात की संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। दवानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानिक लोगों, उद्यमी या शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना, नियंत्रण के कुछ उपाय, शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का सीख पता लगाना। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या फिर एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। यदि प्रजातियों की
सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वनिकी वनोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों चीतों हिरणों भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों का व्यापार करने पर प्रतिबंध है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चीतलों का जो देख लीजिए ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। जैव मंडल निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। आप जानते हैं CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं के 5,000 जातियों पौधे के 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू डॉल्फिन कैक्टस प्रवाल आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। इसमें ये आपके इस अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए आपको लगा सकते हैं और PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है वहां से डाउनलोड करके रख लें अपने पास और फिर कभी टाइम मिलता है एक बार उससे भी रिवीजन करें। वैसे इसमें है कुछ नहीं बस आपको पढ़ के निकल जाना है आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT बुक्स के बारे में। तो कक्षा 8वीं की हम लोग देख रहे थे संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 2 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन। मैं बार बार एक बात दोहराता आया हूँ कि आपको इन सभी बुक्स को बड़े ध्यान के साथ और बड़ा ध्यान रखकर पढ़ना है। अगर आप लोग ध्यान रखकर पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए क्योंकि इन सभी बुक्स को एक कहानी का रूप देकर लिखा है उसी आधार पर आपको पढ़ना है। ठीक है बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है ये बुक्स और जब आपने देखा होगा कि सरल शब्द होते हैं तो पढ़ाई से मन या किताब पढ़ने से ऊब जाते हैं तो आपको ऊबना नहीं है बड़े अच्छे से पढ़ना है सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है चलिए देखते हैं हम लोग। क्री सुकांत ने से मिलने धनबाद के निकट उसके पितृक स्थान पर जा रही थी। क्री विशाल काले चित्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं सुक्रांत ने उत्तर दिया। देखिए खनिज क्या है क्री पूछती है। सुक्रांत कहता है क्या आपने कभी नानवाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है उसमें आटा दूध चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है।
जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। एक खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्थल और अंटार्कटिका। आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक खनिज ही है, ठीक है? खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिज, बात करते हैं खनिज के प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी पर 3,000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। आपके संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य, तत्धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। खनिज धात्विक और अधात्विक। धात्विक में जैसे आपका लोहा हो गया, आलोय, सेल। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह आपका सेल होता है। सेल जिन जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। बात करते हैं धात्विक। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें धूती या फिर चमक की विशेषता होती है। धातुओं में लोहे अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं धातुओं के। धात्विक खनिज लोहे अथवा आलोय हो सकते हैं। लोहे खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। आलोय खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे आपकी सोना, चांदी, तांबा या फिर सीसा हो सकती है। अधात्विक की बात करें तो खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्य, जिप्सन इन खनिजों के उदाहरण हैं अधात्विक खनिजों के। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज में आते हैं। आपके खनिजों को खनन, प्रवेदन, आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण, खनन, विवृत खनन, कूपकी खनन, प्रवेदन हो गया, आखनन। देखिए यहाँ अब तक तेल का प्रबंधन, प्रवेदन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर से जो खनिज होते हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया आपकी खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं विपेष्टीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन बेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं? आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि यह सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। तांबा होगा तो तब सेल का रंग कैसा होगा? नीला। अब बात करते हैं खनिजों का वितरण।
खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतित शैलों में, जबकि अन्य औषधि शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय कायांतित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी में स्वीडन में लोहे एस, ऑन्टेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के नीचे, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट प्लेटिनियम अग्नेय और कायांतित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में आध्यात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट सन स्तर, इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा पृथ्वी, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये आपका अफ्रीका, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी, ये है आपका अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर। ये लोहा है, देख लीजिए, तांबा और बॉक्साइड, ये लोहा आपका, ये आपका तांबा हो गया, ये आपका बॉक्साइड। ये है आपका जैसे बॉक्साइड हो गया, ये आपका लोहा हो गया, ये तांबा हो गया, ये क्षेत्र है जहाँ पाया जाता है तांबा, लोहा, तांबा, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, ये याद रखिए। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लोहे अयस्क खनिज निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप की बात करें, यूरोप विश्व में लोहे अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहे अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। याद रखना, रूस आपका जो देश है ये यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। निकिल खनिजों के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में, जो हिस्सा रूस का यूरोप में पड़ता है उसमें। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप तीन क्षेत्रों में व्यवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सेल्ट प्रदेश में अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लोहे अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन सील प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। चलिए इस मैप को देख लेते हैं एक बार। कोयला, ये आपका खनिज, जैसे खनिज है ये कोयला, यहाँ कोयला आपका, ये भारत में देखिए, दक्षिणी भारत में कोयला, यहाँ कलकत्ता के पास कोयला, ये आपका खनिज तेल हो गए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन में के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है।
हरा हीरा एक दुर्लभ तम हीरा है, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। बीती 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने और पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, एस्क, लोएस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज यहाँ के। तेल आपका नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाए जाते हैं। चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोएस्क, टिन और निकिल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और कोलगार्डी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़े निक्षेप हैं आपके। चलते हैं हम लोग अंटार्कटिका पर। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्व अनुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोली और पूर्वी अंटार्कटिका में के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहेस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। अब बात करते हैं खनिजों के उपयोग। आखिर इनकी खुदाई की जाती है, इतनी चर्चा में रहती हैं तो इनका उपयोग भी तो होगा खनिजों का। चलिए उन उपयोगों को देखते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाते हैं। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है आपका। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी की को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। इस तरह से पुनर्चक्रण खनिज हो गया। आप उसी तरह से ले सकते हैं इसे कि पानी बरसता है, फिर वो बह के वापस वाष्प के द्वारा फिर बादल में जाता है, फिर बरसता है। जिस तरह से एक क्रम चलता है, फिर चाहे आप लोग पंखे को ले सकते हैं कि घूमता रहता है, इसी तरह इसे भी पुनर्चक्रण कह सकते हैं। बात करते हैं शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक व्यतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और पृथ्वी रक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
बात करते हैं परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग के लिए लाए जा रहे हैं, और ईंधन और जीवाश्म में ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत भी हैं आपकी। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। क्या होती है? ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं आपके। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस तरह से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। देखिए, उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती हुई महिला। अब बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इनके लाभ और हानि। खनिज तेल आसानी से परिवहनीय है टैंकर, इसका लाभ है पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। हानि इसमें क्या है? तेल अधिक पिलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुख प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नई ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। प्राकृतिक गैस के भी लाभ है, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता, इसकी यही हानि। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देख लेते हैं, ईंधन और कोयला। ईंधन के लाभ देखते हैं और हानि पहले। सुपराय, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, संग्रहण में अधिक समय उपयोग प्रदूषण को फैलाने वाला, हरित गृह प्रवाह में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण। कोयला की बात करें तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, इसकी हानि है कि प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है। जल विद्युत की बात करें तो इससे लाभ और इसकी हानि, प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सस्ता भी है। हानि की बात करें तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल पिलावन, इसे स्थापित करने में खर्चीला है। जल विद्युत, तापीय ऊर्जा सहन का दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, पहुंचते हैं कोयला। यह बहुतायात में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों के दमने से बना है। कोयला इसलिए अंतरित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में आपका चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस आते हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र जैसे आपके रानीगंज हो गया पश्चिम बंगाल में, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सभी झारखंड में आते हैं। चलते हैं हम लोग पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चर मनाने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाड़ी काले द्रव्य से होती है जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका भेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है, तदुपरांत इसे परिष्करण शाला भेजा जाता है जहां परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य प्रमुख उत्पादक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया भी हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र जैसे असम में डिगवोई, मुंबई में मुंबई, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। पेट्रोलियम जो आपका शब्द है लेटिन के शब्द पेट्रा जिसका अर्थ है सेल,
ओलियम अर्थ तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है सेल तेल। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के उत्पादक प्रमुख उत्पादक देश हैं आपके। भारत में ये जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से उन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी एक चिंता का विषय है आपके लिए। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दहन की ओर बढ़ाया जो जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छता विकल्प है। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे CNG एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है आपकी CNG। चलते हैं हम लोग जल विद्युत की ओर। सलग जल विद्युत परियोजना ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्नि उत्पादक देश से आपका जैसे पराग्वे हो गया, नॉर्वे, ब्राजील, चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं जैसे भाखड़ा नाकल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए आपका जल विद्युत जनरेटर हो गया, ये टर्बाइन हो गई आपकी, ये जल आ रहा है इस तरह से बिजली उत्पन्न। याद रखिए विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? नॉर्वे। अब चलते हैं हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ। जानते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से? जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा पवन चलित बस अड्डा आपका स्कॉटलैंड में कहाँ है? स्कॉटलैंड में। सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और विकास ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव किए जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व विकास के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। देखिए आप सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल, जब से आपकी मोदी गवर्नमेंट सरकार आई है ये बड़ी आपकी परंपरा गैर परंपरा का स्रोतों
से ऊर्जा उत्पन्न करने में जोर देती है। पवन ऊर्जा, इसके लाभ देखते हैं और हानि। प्रदूषण मुक्त, इसका लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ। हानि की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक है पवन ऊर्जा। फिर चलते हैं हम लोग सौर ऊर्जा की तरफ। असमाप्त प्रदूषण मुक्त, इसके लाभ हुए। हानि की बात करें तो खर्चीला है, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो लाभ इसके प्रदूषण मुक्त है, असमाप्त है। हानि की बात करें तो वन्य जीव आवास का नष्ट होना है इसका हानि, दोहन में कठिन। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो इसका लाभ है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, और हानि में आता है रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करना, और एक खर्चीला भी आपका। बायोगैस, लाभ कम लागत है इसकी, उपयोग में आसान है, जैव वृत का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। इसकी हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती है। भूत तापीय ऊर्जा की बात करें तो इसके लाभ में स्वच्छ पर्यावरण, हितेशी व हर समय उपलब्ध है। हानि की बात करें तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला है। चलते हैं हम लोग पवन ऊर्जा की तरफ। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार, यह है आपकी पवन चक्की, देखिए प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है पवन फार्म। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। आणविक ऊर्जा संयंत्र देखिए कलपक्कम में है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, कि परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप भी हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइड जाडट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में आपका केगा है। सौर कुकर, कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रख दें। एल्यूमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें। इसमें एक कप चावल के साथ दो कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतर हिस्से में रख दें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपरी ऊपर रखें, इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरे इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे धीरे आपका बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। देखिए अब चलते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा की तरफ। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती रह जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है।
वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा बना ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिस्तीन और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में फूगा घाटी में स्थित है। आपके देखिए परमाणु ऊर्जा इस तरह से, विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर, गर्म जल, भाप, टरबाइन, जनरेटर, ये लास्ट में विद्युत उत्पादन हो जाता है। इसी तरह आपका ये हो गया भूतापीय ऊर्जा, मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना, इस तरह से प्राकृतिक दरार, भाप, कुआ, जल, टरबाइन हो गई और जनरेटर। क्या आप जानते हैं कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? कहाँ? फ्रांस में। चलते हैं हम लोग ज्वारीय ऊर्जा की तरफ। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विद्योहन समुद्र के सक्रिय मुहाने के पास के बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्ची की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। देखिए आपका ये ज्वारीय ऊर्जा। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। जनरेटर हो गया, टरबाइन, उच्च ऊर्जा, निम्न ज्वार भाटा, निम्न ज्वार भाटा, उच्च ज्वार। अब चलते हैं बायोगैस की तरफ। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। बायोगैस कर दो, गैस टैंक हो गया, मृदा, खाद निकास और उर्वरक। ऊर्जा सर्वव्यापी है। बायोगैस ऊर्जा आपकी सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विद्योहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, आप लगा सकते हैं। और याद रखिए जो आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके रख लें और जब भी आपको टाइम मिलता है तो उससे एक बार रिविजन कर लें। वरना अगर अच्छे से सुना है आपने तो पढ़कर निकल जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें जानना है ऐसे शब्दों की परिभाषा जो हम नहीं, जो आगे अगर हमारी दैनिक कभी आता है तो हम उसके बारे में जान तो सकें कि आखिर बायोगैस क्या है, कैसे बनती है, क्या होता है। इससे क्या होता है कि हमारा बेस बन जाता है एनसीईआरटी से, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है एनसीईआरटी पढ़ने की। ध्यान से आप लोग डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें, जरूरत पड़ती रहती है। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। चैप्टर चार में हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा आठवीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक इसमें हम लोग तीन चैप्टर आपके देख चुके हैं, यह है आपका चौथा चैप्टर, इसमें बात करेंगे कृषि। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आप लोग जान पाएंगे कि हमारे देश में किस तरह से खेती की जाती है, कृषि की जाती है, और हमारे देश के किसानों की और विकसित देश में जो उनके बीच क्या फर्क है, हमारे यहाँ किस तरह से कृषि करते हैं किसान और अमेरिका हो गया या अन्य देशों में वो किस तरह से कृषि करते हैं, कौन कौन सी कृषि हमारे यहाँ होती है,
तो ये टॉपिक आपका बहुत ही मजेदार रहने वाला है। तो मैं बार बार वही बोलता रहता हूँ कि इन सभी बुक्स को आपको एक कहानी का रूप देकर पढ़ना है, वो बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल शब्दों में कहानी का रूप दे दिया गया है और आपको समझाने के लिए कई तरह से उदाहरण पेश किए गए। आपको सब कुछ समझ जाएंगे, बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान की खेत को खेत में की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहा है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतर में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया गया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण है। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञान तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं बहुत ही साधारण शब्द में। जैसे आपके यहाँ गाय दूध देती है, तो ये किस क्रिया में आ गया? प्राथमिक क्रिया में। फिर आपके यहाँ से दूध जाता है डेयरी में, जहां भी जाता है वहां वो केक में बदला जाता है या उसे चॉकलेट बनाया जाता है उससे, जिस तरह से। तो ये जहां बनाया जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और फिर आपने देखा होगा कि आप ऑर्डर करते हैं, उसे मंगाते हैं, तो जो वो सेवा देता है, भेजता है उसे, वो होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन शब्दों एगर या फिर एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशु धन पालन इसमें शामिल है आपकी कृषि में। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, यानी कि कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यहाँ किसान आपकी फसलें उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसलें उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। देखिए, ये आपका कृषि क्षेत्र है, ये दिख रहा है, ये भारत में देखिए, लगभग पूर्ण भारत में आपका कृषि क्षेत्र उपलब्ध है। यूरोप में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये प्रशांत महासागर हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका है। चलते हैं आगे हम लोग। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम को के कि कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह एक कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में
मत्स्य पालन किया जाता है, बीटी कल्चर। द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना आपका हॉर्टिकल्चर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके या तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर आपके वनडे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के, या प्रीलिम्स में आपके क्रम से लगाने के लिए आ जाएंगे। तो इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। फिर आपका कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। कृषि करने के लिए क्या करना पड़ता है? बीज चाहिए होता है, उर्वरक चाहिए होता है, मशीन चाहिए होती है और श्रम चाहिए होता है। जुताई बुआई और सिंचाई निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के लिए के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अगर आप लोग कृषक परिवार से हैं तो आप बेहतर इस अध्याय को समझ पा रहे होंगे। देखिए, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, रसायन हो गया, जुताई बुआई छिड़काव, फसल हो गई है, बीज, मशीनरी, ट्रैक्टर हो गया। फिर आपका भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, मानवीय निवेश। ये आपका भौतिक निवेश, सूर्य प्रकाश, तापमान, ढाल, मृदा, वर्षा। अब हम लोग आगे चलते हैं, कृषि के प्रकार देखते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये प्रकार है आपके निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि की हम लोग बात करें तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आत्म निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, उर्वरक मैदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में आपका गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया की सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में विचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवारी चलवासी पशु चारण भी आपका शामिल है। जैविक कृषि आप लोग जानते होंगे। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। अब बात करते हैं हम लोग स्थानांतरित कृषि, इसे आप लोग झूम कृषि भी बोलते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में विचलित है ये कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में है। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या फिर दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ लेगा, किस तरह पूछेगा? अन्य स्थानांतरित कृषि है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में से क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में से, रोपा कहते हैं ब्राजील में, लद्दांग कहते हैं मलेशिया में। ठीक
अगर क्रम से लगाने के लिए आ जाए कहीं तो आप लोग इसे याद रखिए। पर्याप्ति चलवासी कृषि, सॉरी चलवाली चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में पिछले थे। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं। ये पशु चारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे चलवासी पशु चारक अपने ऊँटों के साथ। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में जब कटाई हो जाती है गर्मियों के मौसम में तो ऊँट और भेड़ लेकर लोग आपकी बड़ी 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 दूर से आते हैं, राजस्थान तरफ से ऊँट और भेड़ों को चराने के लिए आपके क्षेत्र। उन्हें शायद बंजारा कहते हैं आपके क्षेत्र में, जो भी कहते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानते हैं। बंजारा वही लोग होते हैं। बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टर के बड़े फार्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ये आपकी गन्ने की रोपण कृषि है। पर आपकी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि जैसे आपने गेहूं का टाइम है इस समय, तो गेहूं भी उग रहा है, उसी में आप चारे की व्यवस्था कर लेते हैं और गाय या भैंस पाल लेते हैं या बकरी पाल लेते हैं, ठीक है, मुर्गी पालन कर लेते हैं। इससे क्या है, आपकी आय बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, आय बढ़ जाती है। अगर आपकी कृषि खराब हो रही है तो आपका भरपाई, आपका भरण पोषण जो दूसरा क्षेत्र है आपसे उससे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन किसान अपने यहाँ भारत में अधिकतर ये नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि उन्हें, अब आपने देखा होगा एक खेत में जहाँ एक आदमी की जरूरत है वहां घर के पूरे 5 मेंबर लगे रहेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 5 हैं तो एक कृषि कर ले, 5 अलग अलग काम कर ले, तो इनकम भी बढ़ जाएगी, उनका जीवन भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं रोपण कृषि। वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बेहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ये आपकी केले की रोपण कृषि मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य
ये फसलें हैं। फिर आता है आपका चावल, यह विश्व की मुख्य मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय विदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रुकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन आपका चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, जापान, फिर उसके बाद श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। धान रोपाई हो रही है, देखिए। फिर आपका गेहूं, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। देखिए हार्वेस्टिंग चल रही है गेहूं में, कसस करता। फिर आपका मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और कच्चे से उच्च माध्यम से तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ये आपकी बाजरे की कृषि। फिर चलते हैं मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ये आपकी मक्के की कृषि। मक्का को कॉर्न भी कहा जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, देख रही होंगी आपको रंग बिरंगी प्रजातियां। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहे दिन, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है कपास की कृषि। पर आपका पटसन, इसको सुनहरा रेशे के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन की अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राजील काफी कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात आपका कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। कॉफी की कृषि, देखिए कॉफी की कृषि का एक इतिहास है। क्या इतिहास है? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपने बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। यही थी आपकी कॉफी। चाय, बागान में उगाई उगाई जाने वाली एक प्रिय फसल है चाय। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की रोपण कृषि। फिर आपका कृषि का विकास, कृषि विकास का
का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा होता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीव कोवर्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। अब हम दो फार्मों, एक भारत दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जान पाएंगे और हम लोग समझ पाएंगे इससे कि भारत के किसानों की क्या स्थिति है और दूसरे देश जैसे आपका अमेरिका है तो उसके देशों की स्थिति, उसके किसानों की स्थिति क्या है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों क्रियाशील स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो तो आपकी खाद्य सुरक्षा होती है। तो इसमें हम लोग पहले पैराग्राफ में बात करते हैं, भारत का एक फार्म ले लीजिए या भारत की खेती का देख लीजिए, किसानों की आदत। यहाँ आप खेत जोतते हुए किसान बैल, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आपके क्षेत्रों में अभी भी इस तरह की कृषि होती है, इस तरह से लोग करते हैं, किसान अभी भी जुताई करते हैं हल बैल से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टर का एक फार्म है। याद रखिए कितना, 1.5 हेक्टर का। उसका आवास मुख्य गांव में, वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल फिर दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं, समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें, कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है, वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के विकास, पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या फिर कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विस्तार के लिए कुछ कदम उठाए। याद रखिए इस किसान के बारे में आपने देखा है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिमाग चलाने के बाद फिर भी हमारे किसानों की हालत गंभीर है। ठीक है, अब चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। कितना है? बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टर। कितना? 250 हेक्टर। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, किसान क्या करता है, वहीं रहता है जहां उसका फार्म होता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर
यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान के होरन के पास 300 हेक्टर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह अस्वस्थ हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर दे। देखिए पहले ही से वो बहुत तैयार रहता है सोच के, ठीक है वो अपने आप बीज डाल दो, बुआई कर दो, होगी तो अच्छा, नहीं होगी तो अच्छा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। और अपने यहाँ कितने लोग अपनी मिट्टी का जांच परीक्षण करवाते हैं? ना के बराबर। उसके पर्याप्त पोषक है या नहीं मिट्टी उसे चेक करवाता है। परिणाम जो होरन के को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर, यहाँ की खेती में कंप्यूटर यूज हो रहा है, देखिए उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। या रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीजों, बीज बोने की मशीनों, समतलक और संयुक्त हार्वेस्टर थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेती या किसान की तरह। देखिए किस तरह से यहाँ उर्वरकों यानी कि कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है ड्रोन से, ठीक है। तो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी विकसित देश की खेती कर रही कृषि के बारे में और भारत की स्थिति। अब आप लोग तुलना करके देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके पीडीएफ टेलीग्राम पर डालिए, वहाँ से डाउनलोड करके रख लें और जब भी टाइम मिलता है एक बार उससे रिविजन कर सकते हैं। ये अच्छे से सुन लीजिए और निकल जाइए। तो ये था आपका अध्याय 4। अध्याय 5 में हम लोग बात करेंगे उद्योग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 5वां चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5वें चैप्टर के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं यानी कि कॉपी, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। किससे? वृक्ष से। वृक्ष को काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है जहां वृक्षों की लकड़ियों को संसाधित एवं काष्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ट लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के ऊपर रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो पेड़ों से इसकी कहानी शुरू होती है और ये आपकी कॉपी में बदलती है। यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, कागज निर्माण ये है कॉपी, इसका पुनर्चक्रण भी संभव है, ठीक है, होता भी है। जब आप लोग बेचते हैं कॉपी को तो कहाँ जाता है? पुनर्चक्रण के लिए तो जाता है। बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि
वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती को धरती से निकालने से संबंधित है। पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है आपका। अब बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, उधार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उद्योग उत्पाद, चरम उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के आपके उदाहरण। खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद उन उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। बात करते हैं समुद्री आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ आपके उदाहरण हैं। फिर आपका वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधीय रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित आपके उद्योग हैं। फिर बात करते हैं आकार के आधार पर। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला लघु आकार के उद्योग, दूसरा बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, खाद्य विक्रमण उद्योगों लघु पैमाने के उद्योग हैं आपके। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों में है। मखाने के खाद्य विक्रमण की अवस्थाएं हैं। बात करते हैं स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। त्रयाप का सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी। ठीक, बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की
अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, बेकारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगीकरण से प्रयास नगरों, शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। इसका मतलब यही हुआ कि जहाँ इसके अनुरूप स्थिति होगी वहीं उद्योग लगेंगे। जैसे आप कृषि वहीं कर सकते हैं ना जहाँ अच्छी मिट्टी हो, पानी की सुविधा हो, उर्वरक मिट्टी हो, है ना, मतलब उत्पादन हो सके फसल का। तो इसके लिए भी यही कारक होते हैं, जैसे संचार की सुविधा हो गई, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, ये सभी उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारण। पर आपका औद्योगिक तंत्र क्या है? औद्योगिक तंत्र में निवेश, विक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। विक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। विक्रमों में उठाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश के बारे में। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र पतनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। ये आपके विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जैसे भारत में मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और गंगा घाटी हो गया। जो आपका ये काला रंग में दिखाई दे रहा है ये आपके औद्योगिक प्रदेश है, और ये रंग आपका रेड, थोड़ा रेड टाइप का, ये विश्व की औद्योगिक पट्टी है आपकी। ठीक है, काराकास, बोंगोटा, बोगोटा, बहिया तट, दक्षिण पूर्व ब्राजील, ये सभी आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ डॉनबास, बीजिंग, पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, जावा। ठीक है, देख लेना, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, याद रखना है। ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका यूरोप, एक एशिया हो गया, ये आपका प्यारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, केप टाउन, डरबन, नैरोबी, ये आप घना हो गया, साइबेरिया हो गया, ब्राजील, ब्यूनस आयर्स, मॉन्टेविडियो, सैंटियागो, लीमा, इक्वाडोर। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं आपके, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश आदि। बात करते हैं औद्योगिक विविधता के बारे में। किसके औद्योगिक विविधता? उद्योगों में दुर्घटना विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के वितरित उपयोग के कारण घटित होती है। भारत में
ये घटना आपकी बहुत चर्चित रही है और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे एक नए क्वेश्चन, भोपाल में आपकी 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात में आपका 12:30 बजे घटे, जब तक की सबसे यह अब तक की आपकी सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ विषैली मेथाइल आइसोसाइनेट, इसे क्या बोलते हैं, MIC, मिक गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से, जैसे अंधापन हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत-शोथ विकृतियां आदि से पीड़ित रही। तो इसमें पूछ लेता है आपका प्रीलिम्स में पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, कब हुई, तो डेट याद रखना है, कौन सी कंपनी थी और कौन सी गैस थी, ठीक है, इनको याद रखना है। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव काओ चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों की को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के कारण के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए पाए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का संज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। या आपके गांव 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 में बचाव अभियान चल रहा है। देखिए, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब प्रमुख उद्योगों का विवरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं आपके, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। विदेश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जैसे जर्मनी हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस है। वस्त्र उद्योग जैसे आपका भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलोर राज्य में, प्रदेश में है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। उभरते हुए उद्योगों को क्या कहते हैं, सनराइज उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग आपके शामिल हैं। बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश विक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहे, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोहे अयस्क ने अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झुनका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह पिघलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पिघलन पिघलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु
वस्तुओं को उसके ऐस के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक दबाकर निष्कर्षित किया जाता है। आगे चलते हैं। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इसमें अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर उसकी मिश्र धातु में बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। 8 टन कोयला हो गया, 4 टन ऐस, 1 टन चूना पत्थर, इसमें कितना 1 टन इस्पात बनता है। इससे इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या फिर इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रैक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल को इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्तेमाल इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि यंत्र प्रायः आपके इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बना होता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला के क्षेत्र समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया। लोह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। यह है आपका झुमका भट्टी में लोह अयस्क से इस्पात। लोह अयस्क, चूना पत्थर, कोक, ये झुमका भट्टी हो गई, गर्म वायु यहाँ से, ये आपका इस तरफ धातुमल, इस तरफ पिघले लोहा। 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति इस तरह और 1950 से अब इस तरह ही। विश्व के प्रमुख लोहे इस्पात उत्पादन के केंद्र आपके ब्राजील हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, जर्मनी, रूस, चीन में भी है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते समय, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुई है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राव किला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे 4 राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र आपके जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसे क्या बोलते हैं, टिस्को, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यह आया आपका जमशेदपुर लोहा
इस्पात उद्योग की वस्तु थी। देखिए रेखा चित्र, ये आपकी टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। ये स्वर्णरेखा नदी है, डिमगा डिमना झील पहाड़ी, सोनागिरी, जमशेदपुर, जलिया, कदवा, हवाई पतन, गल्फ, टाटा मुख, अस्पताल, सामान डाकघर, साक्षी, गोल्ड कोस्ट, ट्यूब्स मंडल, टेलको, टेलको कॉलोनी, क्या है? ठीक है, साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहे, अयस्क, कोयला, मैग्नीट निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहे, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें आपके रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लोहे इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बेहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। चलते हैं हम लोग पिट्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहे, अयस्क, मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे, अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलगनी नदियों से पर्याप्त जल भी इसे प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलगनी नदी की घाटियों में है। पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने, रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपियर, ह्यूरन, ऑन्टारियो, मिशिगन और ईरी हैं, ये सब झीलें हैं। इन पांच झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशेबद्ध वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लेनन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में आपका नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया और रेयन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने
ब्रिटेन में और उसके बाद विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सरे से व्युत्पन्न किया गया है। इसका अर्थ होता है बुनना। टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है? बुनना। भारत में अत्यंतम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कती और हाथ से बुनी हुई वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलबल, मसूलीपट्टनम की छिंड, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से इतनी स्पर्धा नहीं कर सके, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्री के औद्योगिक यूनिट में करते थे। अब आप ये सोचिए कि एक आटा चक्की होती थी, एक लाइट वाली है, एक वो हाथ से चलाने वाली होती थी। अब अगर आप 10 किलो आटा ले लीजिए, 10 किलो गेहूं, उसे देखिए कि हम लोग अगर हाथ की चक्की से चलाते हैं तो कितने घंटे लगेंगे, और जो मशीन आई हुई है जो हमारी लाइट से चलती है या तेल से चलती है, इसमें कितने टाइम है? तो आपको जो हाथ से चलाएंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, और जो मशीन है लाइट या डीजल से, इसमें कम टाइम लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो जो हाथ वाली आटा चक्की है वो इस आधुनिक चक्की से इतनी स्पर्धा नहीं कर सकेगी, तो वो पिछड़ गए। इसी तरह आपका हाथ से जो सूती कपड़े बनाए जाते थे, डिजाइन की जाती थी, ये आधुनिक मशीनों से जो सूती वस्त्र बनाए गए उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। आपकी उष्ण आद्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में अनुकूल आद्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आद्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है, एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं इसके। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग आपका 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था, याद रखिए। विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण विनिर्माण प्रदेश आपके, देखिए ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका में हो गया आपके, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, यूरोप में हो गया आपके, भारत में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। चलिए चलते हैं हमें अहमदाबाद। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई हिस्सा निर्यात किया जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है, जहाँ आपका साबरमती आश्रम बना हुआ था। 1869 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। यह ऐतिहासिक ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है।
जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूमि भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें, रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, या जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र का उद्योग विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग भी, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग, लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरणों और सीमेंट लेते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1945 में 2 बार परमाणु हमले भी झेल चुका है जापान, फिर भी विकसित देशों में खड़ा हुआ है। यही कारण है कि वहाँ मेहनती लोग हैं और वहाँ टेक्निकल यानी कि प्रौद्योगिकी विकसित है काफी। अब आपने यहाँ से कच्चा लोहा ले जाते हैं और उसी कच्चे लोहे को जो हमारे आधुनिक चीजें हैं, चाहे आपकी कोई कैंची हो या मतलब इस तरह के उपकरण है, उन सभी को बनाकर वापस अपने इंडिया में भेज देता है। अब सोचिए, 1 किलो लोहा ले जा रहे हैं, मान लीजिए 1 किलो लोहा ले गए, उन्हें छोटे छोटे कीलों में, पिनों में उन्हें बदल दिया। लोहा कितने का, कच्चा लोहा कितने का हुआ? 15 से 16 रुपया किलो। अब सोचिए उसमें जो कीलें निकल रही हैं वो कितनी, 100 से 150 रुपये किलो कम से कम। अब कितना फायदा हुआ? तो यही कारण है उसके विकसित होने का। ये आपके इसी अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इनके आपके क्वेश्चंस हैं तो देख लेना ने, और आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जब भी टाइम मिलता है, मन करता है, तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। छठवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मानव संसाधन। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसका लास्ट चैप्टर बचता है हमारा मानव संसाधन, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है आप सभी के लिए। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और एकताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेत लोग अपनी आवश्यकताओं के
के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब आप सोचिए यहाँ क्या बोला है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। क्या आज से पहले लोहा नहीं होता था? 4-5 हजार साल पहले भी तो लोहा होता होगा, लेकिन उसकी खोज नहीं की, उसे उपयोगी किसी ने नहीं समझा, तो उसे संसाधन नहीं माना गया। जब नई नई खोजें हुई, अब आपने देखा होगा कई चीजें ऐसी रहती थी आज से 10 साल पहले उपयोगी नहीं रहती थी, हम लोग उसका उपयोग नहीं करते थे, वो हमारे लिए संसाधन नहीं थे, लेकिन मानव ने दिमाग चलाया, उसे उपयोगी बनाया, तो तब तो वो संसाधनों में परिवर्तित हुआ। मानव के वो दिमाग की ही तो उपज है। और एक आपके जापान का सबसे ज्यादा मतलब इतना सब होने के बाद, परमाणु हमला झेलने के बाद भी अगर विकसित देशों में गिना जाता है तो उसका मानव संसाधन बड़ा अच्छा है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के रोजगार कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। बात करते हैं जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए तो कुछ विरल बसे हुए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विस्पतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। आपके विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में एशिया में रहते हैं, ये यूरोप में हो गए, देख रहे, ये अफ्रीका में रहते हैं, ये आपके मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, ओशिनिया में यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह में आते हैं आपके ओशिनिया। देखिए एशिया में सबसे घनी आबादी। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आपके ये कौन कौन से हैं? चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। बात करते हैं जनसंख्या का घनत्व। भारत की जनसंख्या का घनत्व औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। ठीक है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात आपका पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका। जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत
भरी हुई दिखती है। लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है, क्योंकि सभा भवन का आकार यथेच्छ कक्षा से बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। आपने देखा होगा अगर किसी कृषि की जा रही है या कोई उद्योग किया जा रहा है तो वो अपनी एक अच्छी स्थिति के अनुसार, मतलब सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, वहीं रहना पसंद करेगा ना आदमी, वहीं उद्योग लगाना पसंद करेगा जहाँ उसके लिए पानी की सुविधा हो, परिवहन की सुविधा हो, कच्चे माल की सुविधा हो, खेती के लिए जैसे आपका पानी की सुविधा हो, उपजाऊ मिट्टी हो, भौगोलिक स्थिति उसकी अच्छी हो। इस तो इसी तरह जनसंख्या भी वहीं रहेगी, लोग वहीं बसना पसंद करेंगे जहाँ उसे सुविधाएं मिल रही हों। दूसरा है आपका जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां आलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले। पर्याप्त का खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। फिर आता है आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। अब लोग मुंबई गांव की तरफ से लोग मुंबई क्यों जाते हैं, काम की रोजगार की तलाश में ही तो जाते हैं। अगर उन्हें वो रोजगार अगर गाँव में ही उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग किस लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। दूसरा है आपका सांस्कृतिक कारण। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, यरूशलम हो गया, वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक की बात करें तो अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए आप पुणे को ले सकते हैं। बात करते हैं जीवन प्रत्याशा या उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में देखिए। यह आपका 100 मिलियन थी कब, 500 ईसा पूर्व में, 170 मिलियन हो गई जब आप लोग जीरो पर आए, मतलब ईसा के जन्म पर आए। फिर 265 मिलियन हो गई आप 1000 ईसा पर आए, ईस्वी पर आए सॉरी। और ये आपकी 500 ईस्वी में आए जब 425 मिलियन हो गई। इसी तरह 2025 तक कितनी हो जाएगी, 8525 मिलियन। क्यों ऐसा, वास्तव में जन्म और मृत्यु कि जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे।
इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1904 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद आपकी 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रयाग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में से कम जनसंख्या दुगनी यानी कि 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर में कम होना था, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारण जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने का को क्या कहते हैं? प्रवास। प्रवास पक्षी भी सुने होंगे आपने, प्रवासी लोगों के बारे में भी सुना होगा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उन्हें प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जनसंख्या का संतुलन, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना है। देख लीजिए, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवासी अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ है। अप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर आपको उतना ही पैसा अगर अमेरिका में जितना मिल रहा है उतना इंडिया में दिया जाता है, फिर छोड़िए रहने दीजिए, दूर की बात है, जितना पैसा मुंबई में मिल रहा है अगर आपके गांव में मिलने लगता तो आप गांव छोड़कर क्यों जाते शहर की तरफ? अगर शहर में आपकी सभी सुविधाएं मिल रही हैं, फिर चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य की हो, पानी हो, रोजगार की हो, अगर ये सभी आपके गाँव में उपलब्ध करा दी जाए तो आप कभी गाँव छोड़ेंगे नहीं। तो यही कारण है। बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे आपकी वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अति उच्च, ये उच्च हो गए, आदर्श निम्न या जीरो या ह्रास, देख लीजिए अति उच्च या आपके उच्च हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यूरोप है, सॉरी ये एशिया है, ये यूरोप हो गया आपका, ये अफ्रीका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, देखते रहे, ठीक है। चलते हैं आगे। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ
अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अधि सघ घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें इसके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। देख लीजिए, अपने पोते पोतियों की को कहानी सुनाती हूँ, ये सेतु बनाता हूँ, विवाह समारोह में गाता है, ये घर देखभाल करती हैं, एक कैंसर उपचार की वस्तुओं के लिए शोध कर रही हैं, एक किसान किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संसाधन है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जैसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित, उदाहरण के लिए 5 से 9 और 10 से 14। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 से नीचे निचली भाग में दिखाई गई है, यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी कि 65 वर्ष से ऊपर की संख्या दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए वह क्या है, ये त्रिभुजाकार प्रतीत होता होने वाला आरेख क्या है, यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं? अब हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। वह क्या, एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनकी आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। ये आपके पुरुष हो गए, ये स्त्री हो गए, 0 से 4 वर्ष, इस तरह से 85+ वर्ष, 80 से 84 दिया गया। कन्या का पिरामिड देख लीजिए, ये पुरुष स्त्री। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 से अधिक आयु के। मतलब आश्रित लोग का मतलब यही हुआ कि अगर आप 15 वर्ष से छोटे हैं तो आप किसी पर डिपेंड होंगे ना, जैसे माँ बाप के ऊपर, ठीक। इसी तरह वृद्ध हो जाते हैं जब आपके 65 पार करोगे तो आपको फिर से किसी की जरूरत, सहारे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही आपके आश्रित लोग होते हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग आपकी 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। याद रखिए, अगर 15 से 65 वर्ष औसत जिस देश की आयु है वो इस आयु का लाभ उठा सकते हैं, मतलब इनसे ये फायदे का सौदा रहता है, लेकिन भारत अभी तक कभी इस तरह का लाभ नहीं उठा पाया। चीन ने उठाया है इसका लाभ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15 से 65 की उम्र है जो इसमें लोगों से ज्यादा कार्य करवा सकते हैं। ये आपकी ऐसी जनसंख्या होती है जो उत्पादक बन सकती है, मतलब संसाधन बन सकती है, लेकिन आपको इन्हें सुविधाएं देने होंगी जो अधिकतर देश नहीं दे पाते हैं। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है।
और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पैरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पैरामिड छोड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पैरामिड में दृष्टिगोचर होता है। यह है भारत का पैरामिड। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षिकता अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्तमान में बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पैरामिड संकरा है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धायु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही और आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवर्षी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए, और तभी इसका फायदा होगा। अगर आप लोग उन्हें कुशल, मतलब उन्हें ऐसी संसाधनों में डाल देते हैं, जैसे उन्हें कोई प्रशिक्षण देते हैं कि वो कोई काम कर सके, तभी फायदा होगा ना। मैं ये आपका जापान का पैरामिड है। चलिए, आपके इसी अध्याय से संबंधित ये आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लीजिए। और आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड करके रख लें। तो इस बुक्स को कंप्लीट करने के बाद आपका कक्षा 8वीं की 3 बुक्स कंप्लीट हो गई। अब बचती हमारी एक, कौन सी है? वो विज्ञान है। कक्षा 6वीं में हम लोगों ने 4 बुक्स पढ़ी थी, कक्षा 7वीं में भी 4 बुक्स पढ़ी, और कक्षा 8वीं में भी हमें 4 बुक्स पढ़नी है, जिनमें 3 आपकी कंप्लीट हो गई, एक बचती है विज्ञान के बारे में। तो अगली क्लास में हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।